अगर आप क्रिकेट की सारी लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो बस सब्सक्राइब करें क्रिकेट ट्रू फैंस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें इस बेल के आइकॉन को लेटेस्ट अपडेट पाए सबसे पहले। वेल स्वागत है दोस्तों क्रिकेट ट्रू फैंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले वर्ल्ड 11 वर्सेस वेस्ट इंडीज इसी साल मई 2018 31 मई को होने वाला ये T20 मैच जो कि ICC ने वर्ल्ड 11 के कैप्टन का नाम अनाउंस कर दिया है। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले वर्ल्ड 11 की कैप्टनसी किसे दी है ICC ने और साथ ही साथ आपको बताएंगे वर्ल्ड 11 वर्सेज वेस्ट इंडीज़ का मैच कब और कहाँ और कौन से स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मैच कितने बजे से स्टार्ट होगा। दोस्तों पूरी बात करेंगे इस वीडियो में, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। दोस्तों अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 31 मई 2018 को होने वाले T20 मैच के लिए वर्ल्ड 11 की कैप्टनसी इयान मॉर्गन इंग्लैंड के कैप्टन को सौंपी है। दोस्तों इयान मॉर्गन वर्ल्ड 11 की कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे और ये मैच लंदन के लॉर्ड स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि ICC ने खुद ही कंफर्म कर दिया है। दोस्तों अगर हम बात करें तो इससे पहले बात चल रही थी विराट कोहली को कैप्टनसी सौंपी जा सकती है, लेकिन अब ICC ने वर्ल्ड 11 की कैप्टनसी इयान मॉर्गन को देकर कंफर्म कर दी है। पिछले साल वेस्ट इंडीज में आए तूफान की वजह से दो स्टेडियम खराब हो चुके थे, उसकी मुरम्मत कराने के लिए उसके ठीक कराने के लिए फंड जमा करा जा रहे हैं मैच के जरिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वर्ल्ड 11 के बेस्ट खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की टीम में शामिल होंगे जो कि भारत से भी कुछ नाम शामिल हो सकते हैं। और वहीं बात करें वेस्ट इंडीज की तो सुनील नारायण, क्रिस गेल, उसके बाद एंड्रू रसेल, उसके बाद किरण पॉलर्ट जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियां शामिल हो सकते हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम में। दोस्तों वेस्ट इंडीज वर्सेज वर्ल्ड 11 का मैच 31 मई 2018 को खेला जाएगा और ये मैच लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि मैच शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करके अपनी राय और विचार देना ना भूले और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। और दोस्तों आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल क्रिकेट ट्रू फैंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को भी दबा दीजिए। दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।